गुड पीपल ऑफ अहमदाबाद, आजकल बादल अपना रुख बदल रहे हैं, तपती सड़कों को राहत मिल रही है और अलमारी में पड़े छातों की नींद फिर खुल रही है। इस साल अहमदाबाद में समय से पहले बारिश शुरू हुई है और इस बरसात का स्वागत हम करेंगे इस प्यारे से गाने से। सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए भागीरे मन। इंसान के जज्बात भी बारिश की तरह होते हैं, बिन पूछे बिन बुलाए आ जाते हैं। कभी वक्त सही होता है, कभी गलत। आज उससे मिला था कुछ सवालों के जवाब मांगने। लौट रहा हूँ और सवाल लिए। शायद यही फ़र्क है दोनों में। बरसात का एक मौसम होता है, जज्बात का नहीं। जज्बातों का क्या है, सब हालातों का खेल है। हम 2 साल साथ थे क्योंकि हालात सही थे, फिर ब्रेकअप हो गया क्योंकि हालात नहीं थे। पर फिर आज क्यों मिले, उसके पूछने पर मैं मना क्यों नहीं कर पाई। इतनी पुरानी यादें जो मैंने दफनाई थी, वो एक चाय ने कैसे ताजा कर दी। हमारी वाली चाय अभी भी याद है इनको? क्या बता, देखते हैं। कॉलेज के बाद तुम आए नहीं क्या इस टपरी पर? नहीं यार, मैंने छोड़ दिया। थैंक यू। लगता है कॉलेज के बाद तेरी सारी बुरी आदतें छूट गई। सारी नहीं, जस्ट द बोरोड वंस। तो फिर अहमदाबाद कैसे आना हुआ? As always. क्या करें, कुछ आदतों को छूटने में वक्त लगता है। So, तो यहाँ पर ऑफिस के काम से आई है ना? I saw your Insta story. यार वो एक कैंपेन पिच था। गेस कर किसके ऐड का था? How would I know? हेतल्स खाकराज। मैंने उनके लिए इतनी अच्छी लाइंस लिखी थी एंड इवेंचुअली दे वेंट विद सच शिटी वंस। यू नो मैंने उनके लिए क्या लिखा था? यादें सिर्फ ताजी नहीं, करारी भी होती है। हेतल्स खाकरास, लेट्स मेक क्रंची मेमोरीज। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आई एम रियली वेरी सॉरी। सो उन्होंने क्या बोला फिर? इवेंचुअली दे वेंट विद हेतल्स खाकरास, लजीज कड़क और करारेदार। तुझे पता है तेरी कॉलेज में सेम प्रॉब्लम थी, खाकर में इमोशंस डालने की क्या जरूरत थी? That's why I top copywriting. हाँ तो टॉप तो अपने आप ही किया था ना उसने। देर रात तक असाइनमेंट्स लिखने में मैंने कहाँ मदद की थी। आइडिया पूरा मैं सोचती थी और वो उस पर सिर्फ एक ह्यूमरस सी लाइन सोचकर प्रोफेसर को इम्प्रेस करता था। और क्रेडिट, क्रेडिट देने का नामो निशान नहीं। क्या क्या नहीं किया था मैंने उस रिलेशनशिप में। यार राइट, सारे सैक्रिफाइसेस तूने किए ना। वो हर डेट पे वेज फूड ऑर्डर करना, ना चाहते हो भी वैम्पायर डायरीज के सारे सीजन्स देखना, और एक कॉफी पर्सन को चाय की आदत डलवाना। यार नहीं, मेरी फ्लाइट है। कब? अभी कुछ घंटों में। एंड यू नो हाउ मच आई हेट द रेन। या आई नो। आई आल्सो रिमेम्बर तूने एक बारिश पे पोएम भी लिखी थी एंड देन आई एडेड समथिंग टू इट। क्या था उसका नाम? मुझे ये बारिश सबसे बड़ा पेन लगती है। मुझे ये बारिश भगवान की सबसे बड़ी देन लगती है। सूरज का बादलों के पीछे यूं शर्मा के छुप जाना, वो गाड़ियों का भरे ट्रैफिक में रुक जाना। बारिश में एक बैंकर भी राइटर बन जाता है। बूंद बूंद डायरी में लिखा लफ्ज बन जाता है। बूंद बूंद कोई लफ्ज वब्ज नहीं बनता, एट मोस्ट इंस्टा स्टोरी बन जाता है। तीखे तीखे पकौड़ों के साथ में मीठी मीठी चाय का कुछ अलग ही मजा है। वो 2-2 घंटे पिज्जा डिलीवरी बॉय के लिए वेट करना भी अलग ही सजा है। I can't believe it. We remember all of it. तुम्हें याद है कैसे तुमने मेस में स्नीक इन करके मेरे लिए वो पिज्जा बनवाया था? गंदा सा पिज्जा बचे हुए ब्रेड और केचप के साथ। गंदा सा पिज्जा तुमने इस तरह खाया था कि जैसे कि तुमने लाइफ में कभी पिज्जा ही नहीं खाया। God, you are good together.
Then when did that stop being enough? हाँ, हम अलग थे, पर खुश थे. उसे हर चीज़ परफेक्ट करनी थी, और मुझे, मुझे imperfections में ही कहानियाँ मिलती थी. उसे हर कोई जानता था, और मेरी हर कोशिश अनजान होने की थी. एक दूसरे को समझने में वक्त लगता था, पर हमारी कोशिशें नहीं रुकती थी. फिर क्यों? Why didn't you come that day, Sana? सिर्फ एक चाय की तो बात थी. Mohit, we've had such a good time today. अब तुम क्यों उस बात को छेड़ रहे हो? बात तो तुम्हें उस दिन भी नहीं करनी थी. You know, I waited for 2 hours for you. वही चाय की टपरी, वही अदरक वाली चाय. This was our thing. बस एक आखिरी बार मिलना था साना. फिर बाय बोलने के लिए कौन मिलता है ना? I don't know. जो 2 साल के रिलेशनशिप को एक आखिरी मुलाकात के काबिल समझे. तो मिलकर भी वही बातें होती ना. वैसे भी हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था. हमने या फिर तुमने? It was my dream job. I couldn't say. I didn't want to say no. I didn't ask you to. एक बार पूछ तो लेती सना. क्या? Should I move to Bangalore or not? Should I take up the job or not? Yeah. Would it have hurt you to ask? No, Mohit. But was it really your decision to make? Maybe not, but it could have been ours. I didn't want to face you, Mohit. शायद अगर मैं उस दिन आती तो यहीं पर रुक जाती, यहीं पर जॉब करने का मन बना लेती. And I don't know. That would have been it. And what makes you think that I would have asked you to stay? क्या मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए कभी रोका था? But then what did you expect? Long distance. हाँ, सब लोग करते हैं सना. मुझे नहीं करनी थी एंड मुझे ऐसे बटना नहीं था अपने रिलेशनशिप में और करियर में. आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट. आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू यू नो गिव अस द टाइम द अटेंशन दैट वी नीडेड. फॉरगेट नीडेड, व्हाट वी डिजर्व. हम वैसे भी दूर हो जाते. लाइक दे से लीव बिफोर द लव लीव्स यू. And you know this without even trying. 2 साल के बाद, you could have at least given this a chance. Chances are taken with things that you are willing to risk, right? Not with things that you love. मेरी जगह पे तुम होते तो क्या करते? What would you have done different? You would have turned up for starters. You know what, Sana? It wasn't about a goodbye. It was about letting go together. You understand that? हाँ, वो मैं नहीं कर पाई, डर गई थी मैं. Yeah, so you ran. हाँ, उस वक्त मुझ में तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं थी. But it really takes a lot of courage to walk away from something that good. Walked away again today. पर वो अधूरी चाय आज पूरी हो ही गई. साथ में साथ हमने छोड़ ही दिया. Today we finally let go together. And yet, it doesn't feel like a goodbye. लोग कहते हैं कहानियां क्लोजर मिलने पे खत्म हो जाती हैं. But do you really ever stop loving someone you have loved before? She was always the practical one. अपने प्रायोरिटीज और अपने जज्बातों को अलग रखने की काबिलियत उसमें हमेशा से थी. बस अब मुझे सीखना होगा. इट्स टाइम टू मूव ऑन. दिस हैज टू स्टॉप. आई नीड टू स्टॉप. इट्स ओवर. तो बैंगलोर में जॉब ढूंढना शुरू कर दूं?
I could consider Ahmedabad, you know. I could. ऐसे हेतल खाकराज में मेरी पहचान है. You could make crunchy memories. Such an ass. Guys, please ignore him. But अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then please like it and share it with your friends, lovers and ex-lovers also. And tell us what would you pick, प्यार या फिर करियर, in the comments below. And subscribe to Blush Channel.